शनिवार को हिलसा अवस्थित श्री चंद्र उदासीन महाविद्यालय के सभागार में हिलसा प्रखंड कार्यालय के कर्मियों, मुखिया तथा जनप्रतिनिधियों ने हिलसा के नवागत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी के बुके देकर स्वागत किया। वहीं स्थानांतरित प्रखंड विकास पदाधिकारी राजदेव प्रसाद रजक को शॉल, अंगवस्त्र देकर एवं पुष्पमाला पहनाकर भावभीन विदाई दी गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जहां नई आगत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी को कार्यालय संचालन से लेकर क्षेत्र में विकास में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है, वक्ताओं ने अंतांतरित प्रखंड विकास पदाधिकारी राजदेव प्रसाद रजक के करीब 3 वर्षों के कार्यकाल में स्मरण करते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलने वाले द्वारा बखूबी किया गया है। वही राजदेव रजक ने प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों, कर्मियों, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया है। स्वागत का विदाई समारोह की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रमेश चंद चौधरी एवं संचालन विधान पार्षद नीरज कुमार के प्रतिनिधि उप मुख्य किरण कुमारी के पति प्रमोद कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रखंड कन्य अभियंता स्मृति, जेएसएम मोहम्मद अफरीन, मोहम्मद अली, मुखिया पवन कुमार, चंद्रमणि प्रसाद, भरत शर्मा, कार्यपालक सहायक सिंधु, आईटीएन नवीन के अलावे सभी प्रखंड कर्मी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। हिलसा सर के एसी कॉलेज में भव्य जहां स्वागत किया गया नए वीडियो का, वहीं पुराने वीडियो राजदेव रजक को भावभीन विदाई दी गई। सभी मीडिया बंधु को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपके सहयोग से इन्होंने 3 वर्ष का अपना सुखद कार्यकाल पूर्ण किया। सर को एक नए जीवन, एक नए प्रखंड के लिए असीम शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें सर, सुरक्षित रहें और खूब नाम कमाएं। हमारी आशा रहेगी कि सब जानते रहें, बहुत खुश रहें और बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस 3 दिन अखाड़ा जून से 21 जून के बीच में बहुत सारा बताया गया, ऐसा वैसा पिछला बैक हिस्ट्री, लेकिन हमको लगा कि नहीं, हल्दर भगवान के धरती और हिलसा खास करके बुद्ध भगवान के धरती नालंदा ऐतिहासिक धरोहर पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी पिछले हिस्ट्री बताए, लेकिन जब हम आए यहाँ योगदान दिए तो आप लोग जैसे हमारे हिलसा के कर्मठ योग्य और सभी सम्मानित सदस्य का प्यार और स्नेह मिला। इस तत्परता के साथ हमने 3 साल कैसे बिता पता ही नहीं चला। हमारे सभी जिला पदाधिकारी महोदय, इसके पहले त्यागराजन सर थे, हमारे अभी प्रेजेंट जोगेंद्र सर, उनके दिशा निर्देश में और सरकार के दिए गए विभिन्न लगभग 29 विभागों का हर तरह से कोऑर्डिनेशन, समन्वयता, ऑन टाइम, ऑन रिपोर्ट, ऑन टाइमली रिपोर्ट, ये आप लोगों के भरसक टीम वर्क से ही ये सहयोग हुआ और सफल हुआ कि सभी समय पे, जैसे यहाँ लोग बताते थे कि किसी तरह का रिपोर्ट वहाँ जाने में नहीं पहुँचता है या कार्य में, इस चीज को आप लोगों के सहयोग से ही विगत एक सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा हमारे प्रिया जी बताई, और प्रिया जी चूंकि यही चंडी में भी थी तो विशेष यहाँ का भौगोलिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज से अवगत है। इनका तो हम विशेष रूप से आज के अवसर पर उनका हम स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि अगर इस बीच में हमसे कुछ चूक हुई होगी, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा सॉफ्ट, हर कुछ देखते हुए सरकार का जो टास्क है, योजना है, विभिन्न संबंधित जो टास्क है उसको हम लोग 100% अचीव करने का, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, कुल 38 जिला में एक स्पेशल फोकस यहाँ पे रहता है कि हर चीज में समय पर नंबर 1 बनना है। इसी तत्परता के लिए हम लोग कहीं भी रहें, आप लोग के साथ समन्वयता बना के इस चीज को हम लोग समय सीमा के अंदर हम लोग अचीव करने का प्रयास किए, और ये केवल हुआ हमारे सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से और हमारे सभी कर्मी के सहयोग से ये सफल हुआ। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि प्रिया जी को भी आप लोग इसी तरह से हर फील्ड में, चाहे हमारे पंचायत समिति जी का बैठक हो या लगभग 29 विभाग का, जो भी
तपत चल रहा है कोविड को देखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जो अभी वैक्सीनेशन का लगभग ये चल रहा है, जो टारगेट वो भी बीच बीच में गैप हो गया, ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के सहयोग से ही ये काम, चूंकि स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन जैसा आप लोग बोलते थे, लेकिन आप लोगों के समन्वयता इस पीरियड में, जो कि इस महामारी में कुछ रखना नहीं चाहता था, उसमें आप लोगों ने हमारे सभी पत्रकार महोदय लोग के सहयोग से इस क्षेत्र में, नालंदा जिला में करीब करीब अदर डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में न के बराबर इफेक्टिव होने दिए। ये सभी आप लोगों के सहयोग से, और हमारे सभी आने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट पंचायत चुनाव है, तो हम यही आग्रह आप लोगों से भी करेंगे कि हमारे प्रिया जी को आप लोग भरपूर सहयोग करें, जो कि समय सीमा के अंदर चुनाव भी होता है, जिस तरह से कोरोना समय पर सब कुछ हम लोग आधा करना चाहता हूँ स्वागत कर, लेकिन जो आपने दिल पे अमीर छाप छोड़े हैं वो मिटाया नहीं जा सकता। इस मंच पर विराजमान हमारे हिलसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख साहब, इस मंच में उपस्थित हमारे योगीपुर के मुखिया लोकप्रिय, इस मंच में उपस्थित पंच पैक्स के अध्यक्ष भरत बाबू, इस मंच में उपस्थित जुनियार के मुखिया जी, इस मंच में उपस्थित हमारे प्रखंड के सभी सम्मानित कर्मचारीगण के साथी बंधु, मैं सभी को इस सभागार में स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के विदाई एवं स्वागत समारोह में कभी उतार कभी चढ़ाव दोनों